हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट शेयर करने वाली हूं। तो कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं टीथ वाइटनिंग के लिए भी कुछ टूथपेस्ट शेयर करूं, तो चलिए उन लोगों की रिक्वेस्ट के साथ आज का ये वीडियो हाजिर है। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ टीथ वाइटनिंग के टूथपेस्ट शेयर करूंगी। तो फर्स्ट जो टूथपेस्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं वो है कोलगेट का विजिबल वाइट, जो कि आपके टीथ को वाइट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, आपके इनेमल को रिमूव करेगा, आपके टीथ के स्टेन को विथ वाइटनिंग एसेसलेटर्स। तो ये आपके जो भी स्टेन्स होंगे आपके टीथ के ऊपर, कुछ येलो से स्टेन या और भी आपके टीथ के ऊपर कुछ धब्बे से होते हैं या येलो एकदम होते हैं आपके टीथ, तो ये आपके जो दांत हैं उनको एक शेड तक, एक वीक के अंदर ही आपके जो दांत हैं उनके कलर को लाइट करेगा। तो एक वीक के अंदर ही ये आपके दांतों के कलर को हल्का कर देगा, यानी कि जो आपके पीले दांत हैं या आपके दांतों के ऊपर किसी तरह के निशान हैं उनको एक शेड तक लाइट करेगा, वो भी सिर्फ वन वीक के अंदर ही। तो ये ऐसा क्लेम करता है। तो ये है कोलगेट का विजिबल वाइट, जो कि बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है। कोलगेट की जो टूथपेस्ट है काफ़ी जाने माने वेल नोन ब्रांड है और ये अंडर 100 रुपीज़ में ही आप लोगों को मिल जाता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आप अपने टीथ को वाइट करना चाहते हैं, और ये जैसे डेली का टूथपेस्ट हम करते हैं उसी तरह यूज़ करना होता है। और ये आपको एक फ्रेश ब्रेथ भी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके इनेमल को। तो आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आप एक अच्छा टीथ वाइटनिंग करने के लिए टूथपेस्ट की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो नेक्स्ट हम जिस टूथपेस्ट की बात करेंगे वो है, तो दूसरे नंबर पे जो मैं आप लोगों के साथ टूथपेस्ट शेयर करने वाली हूँ वो है हिमालय हर्बल्स का स्पार्कलिंग वाइट टूथपेस्ट। ये भी आपको अंडर 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो ओनली 79 रुपीज़ तक आपको ये मिल जाता है। तो इसका भी काम है आपके टीथ को वाइट करना। तो ये भी आपके इनेमल को प्रोटेक्ट करता है, इसी के साथ ये आपके स्टेन को रिमूव करता है, जो भी स्टेन होता है आपके टीथ पे उसको रिमूव करता है। और इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। ये एक हर्बल टूथपेस्ट है, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है टीथ को वाइट करने में। तो पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कोलगेट का विजिबल वाइट, वो आपके टीथ को वन वीक के अंदर ही वाइटर शेड प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन इसको आप 2 वीक तक यूज़ करेंगे उसके बाद आपको ये वाइटर शेड थोड़ा सा प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि ये एक हर्बल टूथपेस्ट है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे टाइम लेता है। तो ये भी एक नॉर्मल जैसे टूथपेस्ट होते हैं उसी तरह है, लेकिन ये आप अडल्ट यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये टूथपेस्ट नहीं है। तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत ही अच्छे हैं, तो अच्छे खासे इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किए गए हैं। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले हमारे टूथपेस्ट की तरफ। नंबर 3rd पे जो टूथपेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है पेप्सोडेंट का एक्सपर्ट प्रोटेक्शन वाइटनिंग टूथपेस्ट। तो पेप्सोडेंट भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये भी आपके टीथ को वाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये पेप्सोडेंट वाइटनिंग टूथपेस्ट है और इसके अंदर और भी आते हैं पेप्सोडेंट के अंदर, लेकिन ये वाइटनिंग वाला है। लेकिन ये आपकी कैविटी को भी प्रोटेक्ट करता है और ये आपके गम्स को भी मजबूत करता है, फाइट करता है टूथ को, मतलब कैविटी से फाइट करता है, प्लाक को रिमूव करता है। बहुत ही अच्छी इसके अंदर जो इसकी विशेषताएं बताई है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा ये भी अडल्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े स्पेशली बनाए गए हैं अडल्ट के लिए, क्योंकि ये आपके टीथ को वाइट करते हैं। बच्चों के टीथ तो आप देखते ही हैं वाइट ही होते हैं, लेकिन ये अडल्ट के लिए है, क्योंकि उनकी जो टीथ होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा येलोपन सा प्लाक एक आ जाता है, तो उसके लिए अडल्ट के लिए बेसिकली बनाया गया है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती हैं। तो ये आपकी जो
ब्रेथ होता है उसको भी फ्रेश करता है, एकदम फ्रेश ब्रेथ आपको प्रोवाइड करवाता है, आपके मसूड़ों को ये हेल्दी रखता है। इसके अलावा ये कैविटी से भी प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर लिखा गया है कि ये 2 वीक्स के अंदर आपके जो टीथ होते हैं उनको वाइट करता है, यानी कि ये भी हिमालय हर्बल की तरह ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर सारे मैं इसके भी इंग्रेडिएंट्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी, आप इनमें से अपनी पसंद का जो भी आपको बेस्ट लगता हो वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर की हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टूथपेस्ट की तरफ। तो नंबर 4 पे जो टूथपेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वह है सेंसोडाइन का टूथपेस्ट, जो कि है वाइटनिंग सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, जो कि मैं पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि सेंसोडाइन का वीडियो था, तो उसमें भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। तो ये है सेंसोडाइन का वाइटनिंग टूथपेस्ट, जो कि सेंसिटिविटी से तो आपको हेल्प करता ही है, इसके अलावा ये आपके टीथ की जो वाइटनेस है उसको भी बढ़ाता है। तो ये टीथ वाइटनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी अडल्ट के लिए ही है, जैसा कि सारे जो टूथपेस्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं सभी एडल्ट्स के लिए हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी जो बैड ब्रेथ होती है उसको कम करता है, इसके अलावा वाइटनिंग करता है, आपके टीथ की सेंसिटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो बहुत ही अच्छे इसकी यहाँ पर विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूथपेस्ट है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। और इसको कम से कम 12 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं वही यूज़ करें, उससे कम के लोग इसको यूज़ नहीं करें। तो जिस तरह से डेली ब्रशिंग करना होता है उसी तरह से इसको यूज़ किया जाता है। इसको लगाने के भी कम से कम 2 वीक्स आपको लग जाते हैं टीथ वाइटनिंग करने में। तो देखा जाए तो सबसे ऊपर यहाँ पर 1 वीक के अंदर जो टीथ को वाइट करता है वो यहाँ पर एक ही टूथपेस्ट है, जो कि है कोलगेट का विजिबल वाइट। तो आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। यहाँ पर सभी की इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लीजिए। और अगर आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ से जाके भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, और भी कुछ जानना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। Thanks for watching.